भाई कल हमने चलाया था AMT और आज हम चला रहे टॉर्क कन्वर्टर। दोनों के ड्राइविंग में ना जमीन आसमान का डिफरेंस है। रात में हमें शूट के लिए ना दूसरा कैमरा चाहिए जिसमें ISO ना एकदम अच्छा हो, है ना। आईफोन को ना कुछ ऐसा करना चाहिए, शक्ल ही कुछ ज्यादा सुंदर है ना कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पा रही नहीं वो आपकी मेरी तो नहीं है उतनी। एक गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग नहीं हो रहा है, ये व्लॉग एक्चुअली एक दिन पहले स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी कितना टाइम हो रहा है भाई, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:10 और अभी अपन निकले हैं रात की गेड़ी पे। तो सबसे पहले ना अज्जू भाई को पिक करते हैं, उनका ही कॉल आ गया था, वो शायद जिम में थे। मैं भी वहाँ से आने के बाद ना थोड़ा सा कार्डियो कर रहा और वापस आके एडिटिंग वाला काम कम्प्लीट कर रहा था। यहाँ पे ना एक मछली मार्केट है जस्ट इसके पीछे। हाँ, आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। अरे नहीं, मेरे को मछली पसंद नहीं है, बाप रे बाप, बहुत गंदी स्मेल आती है। मछली मार्केट को इग्नोर करते हैं, अरे कुछ खा भी लेंगे ना। हाँ, कोई दूसरा अड्डा ढूंढो, कोई दूसरा अड्डा ना। अरे मैंने गजब अड्डा खोजा है, चले। हाँ अभी चले। अरे कहाँ, पहले बताओ। और इसमें शुगर नहीं है भाई लोगों के, तो मैं तो खुश हूँ भाई। हाँ खुश हो ना। मैं तो खुश हूँ, मैं तो मीठा छोड़ रखा है। हाँ वो नहीं है वो फंस गया हम दोनों के बीच में, वो फंस गया भाई साहब। मैं सच्चाई बात बताऊं, इससे अच्छा कॉफी देके और एक हाथ में गिलास दे दे, ऐसे पंखे मार पानी पी जाऊं वो ठीक है नीम के पत्ते ना। हाँ। ये चीज यहाँ पे ना लोगों की गंदी है कि जब भी कुछ लेते ना, देखो ये बॉटल वॉटल सब ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पे टिश्यू फेंक दिया। पर लोगों को इन व्लॉग्स को देख के समझना चाहिए। हाँ यार, ये देखो तो कम से कम ध्यान रखा करो। हाँ मतलब अभी जितनी बार भी आते हैं ना, देखो यहाँ पे ना डस्टबिन, ये देखो सामने यहाँ पे डस्टबिन है और सामने उधर डस्टबिन है, लेकिन फिर भी ना दारू की बॉटले है। मन नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली, तो अगर हम भी छोड़ के चले जाए तो हमारे से नेक्स्ट जो आएगा नहीं बैठेगा नहीं। एग्जैक्टली, तो ये थोड़ा साफ सफाई कर दिया करो यार, डस्टबिन। और तो डस्टबिन सामने है यार, डस्टबिन इतना सामने है तब भी। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मन को संतुष्टि देना वो करना चाहिए। और जब हम दिन ढलता है ना और जब मन में संतुष्टि मिले कि हाँ आज मैं खुश हूँ, वो चीज करनी चाहिए। और अगर लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम भी सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सोचने तो जिसको जो सोचना है, अपने दिल को खुश रखना है भाई। भाई थम्स अप विक्रम भाई, थम्स अप, चीयर्स, चलें। गुड नाइट। कितना टाइम हो रहा है? 1:01 इधर कर रही है ना, तो जो इधर उधर कर रही है रात के 2 बजे, मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ, तो जो मेरे पे तेरे को प्यार आ रहा है ना, ये पता क्या कर रही है? इसको ना ऐसे मैं खाना गर्म कर रहा हूँ, इसको चिकन का स्मेल आ रहा है। और ये और स्कूबी, तू कितना खाता है बेटा? हाँ अभी खाना खा के सोया था। अमेजोन वाले सही है भाई, शाम में ऑर्डर करो, 7-8 बजे ऑर्डर किया, सुबह आकर डिलीवर भी हो गया। तो ये बेसिकली ना ये ग्लास विंडशील्ड क्लीनर है, तो इसको हैवी ड्यूटी क्लीनर फॉर्मूला बनाना, तो इसको 4 लीटर पानी में मिला देना है एक टैबलेट। तो पता नहीं कैसा है, बेस्ट सेलर था अमेजोन पे, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, तो मैंने मंगा लिया। एक बार यूज करके देखूंगा फिर आपको बताऊंगा कि विंडशील्ड साफ कर पा रहा है कि एवी है। तो आवाज नहीं आई हाँ, यहाँ पे भैया आए, मैं भौंकी भी नहीं। तो एक तो ना मैंने अपने रूम का बेल कटवा लिया, थैंक यू भैया। तो आया है जी ये वाला माइक जो कल मैंने विक्रम भाई के पास देखा था, ठीक ठाक ही था, बट डेफिनेटली रोड की तरह नहीं, बट रोड से 10 गुना ज्यादा सस्ता है। तो कभी कभी यूज करने के हिसाब से ठीक ठाक है यार, मतलब मेरे को तो ठीक ही लगा। सो जी अपना ब्रेकफास्ट तो हो गया है, और ब्रेकफास्ट में मैंने खाया ऑमलेट। भाई ऑमलेट बहुत जरूरी है क्योंकि एग में बहुत प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जैसे हमारे बॉडी को जरूरत है उसी तरह हमारे बालों को भी जरूरत है। बट अंडे को अगर बाल पे लगा लो ना तो यार बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है, प्लस गंदी बदबू, बहुत ज्यादा गंदी बदबू। तो कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूं कि यू कैन गेट द गुडनेस ऑफ एग प्रोटीन विदाउट ऑल दीज हैसल्स। एंड जी फॉर दैट आई यूज मामा अर्थ एक्सप्लेक्स शैम्पू एंड एक्सप्लेक्स कंडीशनर। सबसे पहला तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में कोई भी सल्फेट, कोई भी पैराबीन्स या हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं हुए, तो इसको रेगुलरली यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके बालों के लिए हार्मफुल नहीं है। सेकेंड, दे हैव गॉट द गुडनेस ऑफ एग प्रोटीन एंड कोलेजन, जो हेल्प करता है आपके बालों को स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथन करने में, आपके बालों के डैमेज को रिपेयर करने में। दिस इज अ 2-स्टेप हेयर केयर रूटीन जहां पे आप सबसे पहले अपने बालों को शैम्पू से प्रॉपरली वॉश करते हो, और इसका फोमिंग बहुत ही अच्छा है, प्लस फ्रेग्रेंस। सेकेंड, एक बार बालों को प्रॉपरली धोने के बाद आपको यूज करना है कंडीशनर,
कुछ देर उसको छोड़ना है और फिर रिंस कर देना है। मामा अर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जहां पे आप मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से कुछ भी परचेज करते हो तो आपका ऑर्डर लिंक कर दिया जाता है एक पेड़ के साथ, एंड बाय ईयर 2025 दे आर प्लानिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज। प्लस ये प्रोडक्ट आपको Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, बट अगर आप मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से कुछ परचेज करते हो और मेरा कूपन कोड Vikash2022 यूज करते हो, यू गेट एडिशनल 20% ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड मामा अर्थ ऑफिशियल ऐप, क्योंकि सारे अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स आपको सबसे पहले ऐप पे मिलते हैं। सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक इट आउट। विक्रम भाई भी आ गए और टाइम कितना हो रहा है, 3:09, सही टाइम है। 2 दिन से तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली नहीं यार, कल शाम में भी मैं विक्रम भाई की गाड़ी से गया, 2 दिन से गाड़ी खड़ी है, इसमें डीजल भी डलवाना है। जो साफ करने वाले भैया ना वो बहुत खुश होंगे, भैया गंदा करके नहीं ला रहे साफ ही है, साफ के ऊपर हल्का सा कपड़ा मार दो। हेलो विक्रम भाई, मेरा माइक आ गया। आ गया ना? अभी कल रात, कल शाम में आपके सामने ऑर्डर किया, अभी जस्ट देखे गया। थोड़ी देर Amazon ने बड़ा बल्क में माल मंगवा रखा है, जबरदस्त। तो जी आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हम आज 2 गाड़ियां टेस्ट करने वाले हैं। एक तो मारुति सुजुकी ब्रेजा जो कि नई आई है और लोगों ने बहुत, अभी मैं सारे कमेंट्स पढ़ा था कल के वाले वीडियो पे, तो लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने नेक्सॉन के लिए बोला कि नहीं यार AMT मत। कल तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे भाई, एक बात बताओ ना, सारी गाड़ियां टेस्ट करेंगे। अच्छा। देखो किसी ना किसी को AMT अच्छा लगता है, किसी को CVT। हम इस, मतलब जो हमारी जो सीरीज है हंटिंग की, इसमें फाइनली हम ये चीज बताएंगे कि देखो ये गाड़ी इस बंदे के लिए रहेगी, हमने ये क्यों ली, ये हमारी रिक्वायरमेंट। अरे मेरे बंदे के लिए कौन, गाली नहीं पड़वाना। अंकल को फर्स्ट क्लास देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, अंकल को फर्स्ट क्लास देंगे और आप सबको भी एक नंबर की राय देंगे। अरे गलत राय आपको, कल मैंने डैड को बताया, मैंने नेक्सॉन, कह रहे हाँ व्हाइट, मैंने कहा अरे रुक तो जाओ नेक्सॉन इसलिए ना, अंकल का टाटा भी तो आया हुआ है। अरे 5-star रेटिंग है। अरे अंकल ब्रेजा भी 4-star है और गाड़ियां भी 4-star है, ऐसा नहीं का केला टाटा ही अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं भैया, और कंपनियां भी गाड़ियां सारी अच्छी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। और मैंने फिर बोला ना पापा आप वेट करो, तो भाई यहाँ से सबसे पहले जा रहे हैं अपन सेक्टर 18, क्योंकि वहाँ पे शायद मारुति नेक्सा में तो नहीं, ब्रेजा एक्चुअली मारुति के 2 शोरूम से, एक तो नेक्सा है जहाँ पे सियाज देखने हम गए थे, और ग्रैंड विटारा अभी तक आई नहीं है। 2 गाड़ी रिवील की गई है बट अभी तक शोरूम पे नहीं आई थी, वो हमने लास्ट एक दिन हम कॉफी पीने गए थे तो नेक्सा का वहीं पे शोरूम था, वहां जाके पूछ लिया था। तो हमें तो विटारा ब्रेजा चाहिए। विटारा ब्रेजा ना मैंने भी यूज किया है, मतलब मेरे पास XUV500 जो धन्नो थी ना, उसके पहले विटारा ब्रेजा थी, ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर चलाया था मैंने और गाड़ी बहुत ही मस्त थी। दो उसके ना बिल्ट से मेरे को थोड़ा सा ये था कि भाई बड़ी हल्की चलती थी, बट अदरवाइज मैं उसको कन्याकुमारी तक ले गया था और गाड़ी चलने में बहुत अच्छी थी, मेंटेनेंस फ्री गाड़ी थी। मतलब मारुति की गाड़ियों में ना ये है, अब जैसे मेरी बेलेनो भी है, दो मैं चलाता नहीं बेलेनो, बट बेलेनो भी ना मेंटेनेंस फ्री गाड़ियां हैं, तो मारुति की गाड़ी में डेफिनेटली थोड़ा सा ना फिट एंड फिनिश वाला इशू तो नहीं बोलूंगा, बट देन बिल्ड क्वालिटी वाला इशू डेफिनेटली मेरे को थोड़ा लगता है, बाकी बहुत लोगों को नहीं लगे। बट मारुति सबसे ज्यादा बिकती भी इसलिए है कि भाई अच्छा एवरेज देती है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कहीं भी खराब हो कोई भी मैकेनिक हाथ लगा सकता है उसको, वहां पे ना आपको कहीं खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, पार्ट्स इजीली अवेलेबल है। तो ये सारी भी एक बहुत सारी चीजें है ना कि पार्ट्स अगर इजीली अवेलेबल ही नहीं होंगे। आ जाओ भैया। अरे आप चले जाओ भैया, मैं तो वैसे ही रोक रहा था। भैया शर्मा गए। अरे कह रहे भैया आप जाओ। नहीं भैया फुल इज्जत हमको चाहिए, फुल इज्जत। तो भैया को हमने फुल इज्जत दिया और मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। हाँ मेंटेनेंस की बात कर रहा था। बाकी ये वाली जो ब्रेजा नई वाली आई है वो 4-star रेटेड है एनकैप में, राइट? हाँ तो 4-star रेटेड है, बाकी एक बार देख के पता चलेगा। लोग कहते हैं, मैंने कल भी एक बार रोड पे देखी थी तो लोग कहते हैं कि भाई मिनी रेंज रोवर लगती है छोटी सी, तो देखते हैं अगर वो जल्दी मिल जाए, अपने बजट में रहे, अपने को जो वेरियंट चाहिए जो कलर चाहिए वो मिल जाए तो और क्या चाहिए और एक दो गाड़ियाँ और देखेंगे, नहीं एक दो गाड़ियाँ और। आज के वीडियो में बहुत सजेशन है तो आपके ये सजेशंस ना बहुत बहुत हेल्प करते हैं यार, मतलब स्पेशली ना अगर आप वो पर्टिकुलर गाड़ी यूज करें तो आप अपना ना, अब आप भी थी जिसको कहते हैं ना, आप भी थी बता पाते कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉस एंड कॉन्स है, और उससे ना किसी के डिसीजन मेकिंग में ना बहुत हेल्प होता है। वो होता है ना कि कोई भी होटल हम बुक करते तो उसके रिव्यूज पढ़ते हैं, कोई भी साइट या हम कोई भी ना नया सॉफ्टवेयर ऐप डाउनलोड करते उसके रिव्यूज पढ़ते हैं, भाई क्रैश तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, तो ये तो गाड़ी है भाई, मतलब इसमें मेरे को बहुत हेल्प मिलती है, थैंक यू। पहले अंडर पास में आके ना मेरे को एकदम थाईलैंड की याद आ जाती है, कितना नीट एंड क्लीन, कितना मस्त बना हुआ है ना, ऐसा फील ही नहीं होता आप इंडिया में हो। गुड़गांव में तो सीरियसली फील नहीं होता यार, गुड़गांव में जो अंडर पासेज है ना सीरियसली, दिल्ली और
गुड़गांव में ना जमीन आसमान का डिफरेंस है, इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं गुड़गांव से मुझे प्यार है या फिर मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बट एक्चुअली भी डिफरेंस है। आप आओगे तो मतलब आपको ना वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब धीरे धीरे विकास भाई, गुड़गांव थोड़ा सा डेवलप अच्छे से होता जा रहा है। हाँ कॉस्मोपॉलिटन वाला जो फील है ना वो यहाँ। ये आ गया मारुति सुजुकी अरेना, ठीक है, यहाँ पे अपने को ये मिल जाएगा। मैंने HDFC में जब मैं था ना तो आई यूज टू मैनेज इंटायर मारुति के। एक्चुअली यहाँ पे ना गुड़गांव में एक प्लांट है सेक्टर 18 में जो कि यहाँ पे ही है, और तीन प्लांट है मानेसर में प्लस गुजरात में प्लस एक इनका रिसर्च डिवीजन है रोहतक में, तो R&D। हाँ तो सारी चीजें ना मैं मैनेज कर रहा था। आई नो द MD, द CFO, मतलब सब लोग। फाइनेंस टीम मिलेगा क्या? अरे डिस्काउंट ही तो नहीं मिला कभी, क्योंकि हमने कभी मारती गाड़ी नहीं ली, एक बेलेनो ली थी तो वो कह रहे थे अच्छा देख के बताते हैं। आपने बेलेनो रखी है, आपने ब्रेजा रखी है, ऐसे पर मत तो ब्रेजा के टाइम पे तो नहीं मैनेज करता। हाँ, जब तो नहीं करते थे। हाँ, जब मेरे पास बेलेनो भाई मैं पता क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही विकास भाई का पोपट करता हूँ, मैं बीच में इंटरप्ट कर देता हूँ। अरे नहीं तो मैं एडिटिंग में काट दूंगा ना, तो काट के दिखाओ मैं। तो पता है क्या, तब भी मैं डिस्काउंट तो यार शर्म आती है थोड़ा सा ऐसे मांगने में, इसलिए मैंने विक्रम मैंने विक्रम अब तो खैर यहाँ से मांग सकते हैं डीलरशिप से, बट पहले तो अपन इसमें डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है ना उसको जानते थे, अभी भी जानते हैं, लेकिन वही है ना यार इतने दिनों बाद अचानक से फोन करे गाड़ी के लिए तो थोड़ा शर्मिंदा ही फील होता है यार। चलो अभी अंदर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं भाई। कल हमने चलाया था AMT और आज हम चला रहे टॉर्क कन्वर्टर। दोनों के ड्राइविंग में ना जमीन आसमान का डिफरेंस है। जो फॉर्चुनर है हमारी वो भी अपनी टॉर्क कन्वर्टर है, जो थार हम चलाते हैं वो भी अपनी टॉर्क कन्वर्टर है, तो उसमें ना गियर शिफ्ट बिल्कुल पता नहीं चलता। और एग्जैक्टली इसमें, ये तो स्मार्ट हाइब्रिड है, जैसे मैं पंजे हटा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे बैटरी वाला एक सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पे रीजनरेशन। हाँ तो 20 का एवरेज भैया कह रहे हैं कि हाईवे पे 20 का एवरेज जाते, व्हाट कंपनी इज क्लेमिंग। अब एवरेज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि डैड को एवरेज भी, उनको तो ये देखना ना भाई मैंने डलवाया तो कितना मिला, कि पुराने में तो आदमी अपन वही देखते ना कि भाई देती कितना है। तो और इंटीरियर्स इसका जबरदस्त है भाई, मतलब सीरियसली बहुत गजब की फील है। अब HUD हेड अप डिस्प्ले जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें तो नहीं चाहिए उनको, उनको बेसिक सनरूफ भी मना ही कर रहे थे, बट ओवरऑल जो हम, मेरे को चलाने में ना सीरियसली बहुत मजा। ये कितने BHP निकालते भैया पावर? 110 है। ओके तो ये पेट्रोल 110 या 105 है एग्जैक्ट, ध्यान नहीं। इतनी गाड़ियों को यार ध्यान रखते हैं, कई बार मिसमैच हो जाता है। ऐसे अगर पीछे बैठेंगे ना तो थोड़ा सा कम दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पे बैठेंगे ना तो ये पूरा नजर आ रहा है, स्पीड स्पीड वगैरह नजर आ रहा है। यहाँ पे विक्रम भाई 6 फीट के हैं और भाई 5'11" है, लेकिन भाई भी एकदम कंफर्टेबली आराम से बैठे हैं। कितना नींद रूम है? आप थोड़ा सा ज्यादा आगे नहीं बैठे हो? नहीं आपको वैसा लगा? ये ले लो। अच्छा ये पूरा पीछे कर, आप बहुत पीछे रखे चलाते हो? मैं बहुत पीछे रख के चलाता हूँ। हाँ मैं बहुत पीछे रख के चलाता हूँ, मैं पूरा हाथ एकदम ना स्ट्रेच होना चाहिए मेरे को, तो वैसे करके चलाता हूँ। तो मेरे को तो बहुत ही सही लगी यार, और कल और आज के ड्राइव में ना बहुत डिफरेंस है। इंटीरियर्स का ही नहीं, मतलब ऑनेस्ट फीडबैक है ये कि ये ना मतलब मैं थोड़ा सा, क्योंकि बेलेनो ऑलरेडी मैंने रखी है, ब्रेजा भी रखी है, तो मैं बताया कि मारुति में मेंटेनेंस नहीं है, बस वही था बिल्ट का मेरे को ये था कि चल टाटा का बिल्ट बहुत अच्छा है, 5-star रेटेड गाड़ियां हैं। इधर से ना भैया, हां लेफ्ट तो बस बिल्ट का था, बट इसमें बैठ के ना ऐसा फील नहीं हो रहा है, प्लस सीट का कम्फर्ट ना मतलब प्रॉपर मेरे को, थाई सपोर्ट और साइड की जो कुशनिंग है ना वो एकदम प्रॉपर मिल रही है, प्लस इंटीरियर से यार मतलब अंदर बैठ के ना केबिन बहुत प्रीमियम फील हो रहा है, और सामने ना पूरा बोनट का व्यू आपको प्रॉपर मिल रहा है। वो पुराना ब्रेजा वाला दिन याद आ गया ना, ब्रेजा लेके मैं कन्याकुमारी गया था, 7,000 किलोमीटर का ट्रिप, अकेला ड्राइव किया था मैंने, 13 दिन का ट्रिप था, 13 दिन में मैंने 7,200 किलोमीटर ड्राइव किया था और ब्रेजा से ही किया था, बिल्कुल ड्राइव फटीक नहीं है इस गाड़ी में। ID में भी ना काफी सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने गेट खोला तो ये प्रॉपर बन के आ रहा है। हाँ ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, तो मैंने कहा विक्रम भाई आप चलाओ और आप अपना फीडबैक दो। मैंने तो चला लिया जितना मेरे को चलाना था, समझ में आ गया, प्लस पीछे से जो इसका लुक है ना ये जबरदस्त है यार, ये वाला चीज ना जबरदस्त है, और साइड से भी ना बहुत ही खतरनाक लग रही है। पहले वाली इतनी सुंदर नहीं थी, ये वाली तो ज्यादा सुंदर है, और टायर MRF के हैं, और आगे से भी लुक ना इसका अच्छा है, छोटी सुस्ती कॉम्पैक्ट एकदम मस्त। हाँ विक्रम भाई अब आप चलाओ। अच्छा जब ये गाड़ी जैसे अभी खड़ी है तो ये बैटरी पे चल रही है, फ्यूल पे चल रही है? नहीं फ्यूल पे चलती है। फ्यूल पे तो बैटरी क्यों है? बैटरी एक्चुअली जब खड़ी रहती है ना तो इसमें उस टाइम थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है बैटरी में, जब और आइडियल से जब आप चलते हो, जब आपको एकदम सडन पिकअप भी चाहिए होता है तो बैटरी और वो दोनों मिलके, देखो दोनों मिलके आपको एक टॉर्क और एक अच्छा पावर देते हैं। देखो ऐसे गियर चेंज का तो पता ही नहीं है,
आराम से विक्रम भाई, गियर चेंज का तो नहीं पता, मेरा पुक पुक कर रहा है भाई। यहाँ से तो अपना काम हो गया, अब यहाँ से निकल रहे अपन हुंडई, क्योंकि आज हुंडई में भी अपन दो गाड़ियाँ टेस्ट करेंगे और बाकी क्या बात हुई वो आपको गाड़ी में बैठ के बताते हैं भाई। ये रहा अपना प्राइस लिस्ट, तो अपन देख रहे थे यहाँ पे VXI ऑटोमेटिक 6 टॉर्क कन्वर्टर, 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, जो कि अपने को 1280 की पड़ रही है। अब 1280 में ना 25,000 रुपये है एक्सटेंडेड वारंटी, जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर है वारंटी ले लेंगे, क्योंकि वो गाड़ी ना लंबी रखनी है। मैं तो किसी गाड़ी में, अपनी किसी गाड़ी में जो नॉर्मल वारंटी आती है वही रखता हूँ, एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि 2-3 साल में मैं गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी रनिंग ही इतनी ज़्यादा है। गाड़ी पे कह रहे हैं 3 महीने की वेटिंग है, मिनिमम 3 महीने की वेटिंग है, और अगर आप थोड़ा एक्सेसरीज वगैरह करोगे तो जल्दी कोशिश कर सकते हैं, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है, जल्दी कोशिश कर सकते हैं कि 1 महीने के अंदर या कुछ ऐसा करके आपको गाड़ी दे देंगे। तो अब देखते हैं भाई, अब यहाँ से हम जा रहे हैं हुंडई, फिलहाल बैठे हैं i20 N-Line में, और ये गाड़ी सीरियसली यार मेरे को इस गाड़ी का ना ओवरऑल लुक और फील ना बहुत अमेजिंग है भाई, बहुत अमेजिंग है। और ये देखो कि ये वायरलेस चार्जिंग के लिए, हाँ, वायरलेस चार्जर है, हाँ, और इसका भी ये सेम ब्रेजा की तरह है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये आई थिंक ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ना ये ऐसा वाला, ये महंगी गाड़ी। एक टाइम पे ना पावर विंडो के स्विच होते थे होंडा में यहाँ। अच्छा, बट इसका ना लुक एंड फील एंड ये पूरा स्क्रीन वगैरह कितना सही लग रहा है, और स्टेयरिंग ये कितना स्पोर्टी है ना, बहुत स्पोर्टी है, गियर नॉब देखना कितनी स्पोर्टी है। हाँ सर, गियर नॉब और स्टेयरिंग आप हमारा देखना अभी, इसका जो हुंडई का इंटीरियर है ना, उसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब सबसे जो हमने बहुत अच्छा सीरियसली, एंड टच एंड फील जो अंदर आपको केबिन में बैठने का जो एक्सपीरियंस है, ये देखो ना कितने प्यारे बटन्स हैं, कितने प्यारे हैं, ये पूरा टच एंड फील ना आपको प्लास्टिक वाला ना वैसा फील नहीं आता, इतनी स्पोर्टी है ना। देखो इसका पेडल शिफ्टर कितना मस्त है, हाँ देख रहे हो ये पेडल शिफ्टर इसका कितना सही है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी भाई, फुल एक्सपोर्टी लग रही है ना भाई, क्या स्पोर्टी है ना सीरियसली, मेरे को तो मतलब सीरियसली अंदर बैठ के ना जो फील आई ना इसमें, बहुत ज़बरदस्त फील आई। 120 bhp पावर छोटी सी, और भाई क्या भागती होगी है। और ये है जी अपनी वेन्यू, ये वेन्यू तो ये है IMT, ये IMT है, मतलब इसमें क्लच नहीं है, यहाँ पे आपको क्लच नहीं दिख रहा, एंड इसमें गियर नॉर्मल अपना गियर लगाते रहो, बट स्ट्रीट 100 आती थी ना, स्ट्रीट 100, हाँ 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 एग्जैक्टली, स्ट्रीट 100 से कंपेयर कर दिया। इसका भी इंटीरियर देखो, हुंडई का इंटीरियर और प्लास्टिक कितना अच्छा है, मतलब मारुति का भी अच्छा था, मुझे टाटा का सीरियसली नेक्सॉन का उतना समझ में नहीं आया, मतलब इनको देख के ना, कल तो नेक्सॉन अच्छा लग रहा था, आज जब इनको देखा ना तब थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक्चुअली हुंडई का ब्रांड ना ऑडी इंस्पायर्ड है, वॉक्सवैगन इंस्पायर्ड है हुंडई, बहुत अच्छा फिनिश पे बहुत ध्यान दे, पीछे भी अच्छा स्पेस है, मतलब वही ब्रेजा जितना। इसमें आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं, क्या बाहर निकलना पड़ेगा? नहीं नहीं आप वहीं से दिखाओ, इसमें ना आपको डबल रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, एक ऐसे और एक पीछे। अच्छा, एक आप ये एक्स्ट्रा कर सकते हो, एक आप ये देखो ये नॉर्मल पोजीशन पे। नहीं पीछे तो बैठने के लिए कमी, मतलब पीछे तो कमी बैठा जाएगा। एक बार ऐसे होता है ना कि बंदा कहता है कि यार मेरे को तो एक्स्ट्रा रिक्लाइन का भी चलना है, ऐसे XUV700 जैसी फील आ रही है ना, ऐसा वाइट इंटीरियर देख के ना, वाइट पुराना, अरे प्यार तो प्यार ही रहेगा ना, प्यार बेवफा हो गया, हम तो नहीं हुए। ठीक है, अच्छा लग रहा है यार, इसका भी स्टीयरिंग अच्छा है, बट मुझे N-Line का स्टीयरिंग ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें भी वायरलेस चार्जर अपने को मिल जाता है, ये वायरलेस चार्जर, और ये वायरलेस चार्जर ना बिल्कुल iPhone 13 Pro Max के हिसाब से है, एक USB, एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक सी कनेक्टर। अब तो सब जगह सी कनेक्टर देने लगे, क्योंकि मोस्टली लेटेस्ट हो गया ना टाइप सी, हाँ टाइप सी टू लाइटनिंग, टाइप सी टू टाइप सी, या पीछे भी आपको दो टाइप सी मिलेंगे। अच्छा पीछे भी है, अच्छा यहाँ पे पीछे तो सी और ब्लोअर आपको मिलेगा, और ये एयर प्योरीफायर है इसी के अंदर, यहाँ पे इसका शायद ऑन ऑफ का बटन है, और छोटा सा एक ग्लव बॉक्स है, मतलब इसमें आप हल्का फुल्का अपना चाबी वाबी सामान लग, फैब्रिक भी बहुत अलग सा अच्छा है। ये हम चला रहे, ये N-Line है, हाँ N-Line, ओके, तो इसमें अपने को ना DCT का पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसा है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो भी बहुत अलग है यार, मतलब ये पूरा डिजिटल है, ऐसे 700 वाली जैसी फील है ना, चाइनीज टाइप नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं है, मतलब
जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे को सबसे अच्छा नहीं लगा वो नेक्सॉन का, मतलब बाकी गाड़ियां चला भाई के। अब दुनिया की सारी कमियां नेक्सॉन में। नहीं 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 ऐसा नहीं है, मतलब मैनुअल में नेक्सॉन अच्छी है बट एएमटी अच्छा नहीं है उसका। इसका जो ओवरऑल लुक एंड फिनिश है ना, मतलब एकदम आपको ऐसा लग रहा है जैसे अगर हुंडई का लोगो छुपा दो तो ऐसा लग रहा है कि यार एकदम खतरनाक ऑडी, हाँ ऑडी टाइप का, मतलब पूरा गियर नॉब से लेके भाई को कितना परेशानी है ना। हाँ उसको बहुत जोर से। हाँ चलो कोई नहीं, अपन इधर से राइट लेंगे और फिर एक बार इसको चला के देखेंगे। बाकी इसका जो एवरेज ARI है वो 14 है और नॉर्मल सिटी में 13 तक देता है, मतलब 12-13 मान लो, मतलब कम नॉर्मल स्पीड पे। बाकी तो इसको है तो ये गाड़ी मतलब मस्त स्पोर्ट वाली फीलिंग दे रही है, बट यार पापा कहाँ ही उतना स्पोर्ट चलाएंगे और रांची में कहाँ ही उतना खाली रोड मिलेगा, इतना ट्रैफिक तो रहता है। बाकी पेडल शिफ्टर मतलब आप रेस दबाओ और इट जस्ट शूट्स यार, मतलब वो तो आपको स्पीडो पे देख के पता चल रहा होगा बिल्कुल शूट करता है। और ट्रांसमिशन इसका बहुत अच्छा है यार, ट्रांसमिशन की तो तारीफ क्या ही करूं, बहुत मज़ेदार। और अंदर का जो फील है ना एक नंबर भाई। तो भाई फाइनली अपना हुंडई से काम हो गया, देखो ऑलमोस्ट 7 बज गए, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे बैठ गए। थैंक यू कल भैया, ठीक है बस 1-2 दिन और दो फिर आपको बताएंगे, ठीक है 1-2 और ऑप्शन है अपने पास। बाकी सीरियसली यार जो DCT में मज़ा है ना, मतलब कल AMT चलाया उसके बाद टॉर्क कन्वर्टर और जो DCT चलाया ना भाई साहब, मतलब सीरियसली यार पेडल शिफ्टर क्या काम कर रहे थे। और सेम चीज़ ना वेन्यू में भी है, तो अब i20 वेन्यू इन दोनों में डिसाइड करना है, लेना है तो टॉप मॉडल ही लेना है क्योंकि एयरबैग्स का बहुत डिफरेंस हो जाता है और एयरबैग्स का डिफरेंस मेरे से अच्छा कौन ही बता सकता है। तो एक बार विक्रम भाई आ रहे हैं उसके बाद चलते हैं यहाँ से, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। भाई अब यहाँ से चलते हैं घर और उसके बाद करते हैं थोड़ा सा काम, फिर शाम में मिलेंगे होपफुली क्योंकि अपनी आज की कॉफ़ी तो बची हुई है ना भाई, तो कॉफ़ी पे भी तो डिस्कशन होना चाहिए। फिर डिसाइड करते हैं कि कल हमें कौन सी गाड़ियाँ चेक करनी, कल एक्चुअली एक छोटा सा काम है तो हम दोनों को गाड़ी लेके कहीं जाना है, अब वो तो कल के व्लॉग में ही आपको पता चलेगा, बट वो भी एक इंपॉर्टेंट काम है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और मैंने सोचा था कि यार जब वह वापस आऊंगा ना सबसे पहले वो काम करा लूंगा। चलो भाई करते इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मैं तो आ गया अपने वर्क स्टेशन पे, कर्म भूमि काम करना है। हाँ तो करते इस वीडियो को यहीं पे खत्म, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो बड़े थम्स अप, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। कल अपन गाड़ी नहीं सर्च करने वाले बिकॉज कल अपने को एक छोटा सा और काम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट क्या काम है वो तो कल ही की व्लॉग में आप देख लेना, बट यार जरूरी बहुत है। जो जब तक गुड़गांव में हो ना जितने ये सब पेंडिंग वेंडिंग वाले काम है ना वो सारे निपटाने हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ये बोल दिया क्या भैया, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन हमारा है आपको पीस, आपका भी हमको दीजिए पीस। हाँ।